फ्रेंड्स, आपको कैसे लग रही है अरमान की न्यू लुक? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ गुरमीत कौर और सिंह फैमिली में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आज है ट्यूसडे। अलीजा अवलीन उठ गई हैं, उठकर रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए। अवलीन अपना थोड़ा सा होमवर्क बना रही है, ऊपर है। और अगर अभी तक आपने हैप्पी सिंह फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और अरमान की फैमिली का मेम्बर बनिए। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखा कीजिए। अरमान उठ गया और आ गया मेरे साथ नीचे। अरमान आप भी बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलेगा अरमान? कैसे बोलता अरमान गुड मॉर्निंग? थोड़ा सुस्त है ना अरमान। उठ गया, अलीजा भी आ गई मेरे साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अलीजा और मैं कल मलक काट के हम कुछ बनाया, मेरा आ का लेटर। ओ अच्छा, लेटर ए बनाया आपने। और फिर चॉकलेट है, फिर हमने उस पर टिक किया चॉकलेट का। हाँ। तो आपको मिलेगा ना 5 दिसंबर को। अरमान को कौन सा गिफ्ट मिलेगा? अरमान को क्या मिलेगा? बाबू को। बाबू देख रहा है, कैमरा पकड़ता है। बाबू ब्लॉगिंग करेगा, कैसे बोलेगा हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरमान और अरमान की फैमिली में आपका स्वागत है। मैं सबसे छोटा ब्लॉगर हूँ हैप्पी सिंह फैमिली का, है मिठी। अलीजा अवलीन आएंगी आज लंच करने घर पर दोपहर को। अभी बजे सुबह के 8, बारिश हो रही है बाहर। ये दोनों जाएंगी स्कूल और मम्मा और अरमान रहेंगे घर पर, है ना। मम्मा करेगी काम, अरमान खेलेगा। अलीजा वो भी लेना चाहता, देखो आईपैड। आपको नहीं देती दीदी? क्यों नहीं देती भाई दीदी? अरमान को दे दो, अरमान बाबू को दे दो। अरमान करो पंग। अलीजा के बाल मत पकड़ो बेटा, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। अरमान मामा, पापा, दीदी, कैसे बोलते अरमान? दीदी, दीदी नहीं बोलना। ये कौन सी दीदी? बड़े वाली दीदी है? अवलीन दीदी कहाँ पर है? वो आई नहीं अभी। बोल दो पापा, नींद में अभी। आपकी पैंट अच्छी लग रही है उसको। मॉर्निंग गाइस, मैं अवलीन और आज मैं स्कूल जाऊंगी और हमारा पैजामा पार्टी होने वाला है। क्या करोगे फिर? कोई व्लॉग भी नहीं मिस करना। सारे देखना। फिर क्यों? फिर तुम पैजामा पार्टी मिस कर सकते हो। और मेरे छोटे भाई, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। अरमान माना आप मेरी पार्टी खेलना। चलो हम जाते हैं मम्मा को। और ये फ्रेंड्स, आपको इसको मत प्यारा क्या, और इसको ये ना बहुत स्कीमर लगाता है गाइस। पता मैं अरमान को ना पैजामा पार्टी पर मेरे नाम से होगा। ओके, पजामा पार्टी में आपके साथ सोएगा। चलो रेडी हो जाओ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। सुबह के बज गए हैं 10:30 फ्रेंड्स। अरमान ने नहा लिया है और नहा कर आ गया मम्मा की गोदी में। आजकल ये मेरे गैर 5 मिनट नहीं रहता, चाहे अलीजा को दे दूँ अवलीन को, या उसके पापा को, रोने लगता। अब मैंने इसको खिलौने देकर नीचे बिठाया और मैं रेडी होने लगी तो रोने लगा, तो अब चुप है। ऐसे ही करता आजकल अरमान। इसके लिए बनाती हूँ एक पराठा, दे दूंगी इसको
थोड़ा सा ना नमकीन अरमान के लिए वो खा लेगा और हमारे लिए भी कुछ बनाती हूँ जल्दी से। अलीजा अवलीन आएंगी 12 बजे तो लंच करने, तब तक अरमान एक बार सो लेगा और सोकर उठ जाएगा ना, एक नींद कर लेगा अरमान। मैंने इसको सुलाने की कोशिश की पर ये सोया नहीं, उठ गया। अब इसको बिठाते हैं इसकी चेयर में, है ना अरमान, बैठ जाओगे ना, और मम्मा बनाएगी खाना। बैठो इधर। मैंने बनाया चीला साहब के लिए, वो खा रहे हैं, अरमान सो गया। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? बहुत स्वाद चीला खा रहा हूँ मैं। हाँ, रोज चीले की डिमांड होती है। हरी मिर्च के साथ बहुत मजेदार है। आ जाओ। बारिश होकर रुकी है बाहर, खा कर जाती हूँ थोड़ा सा बाहर। साहब ने खा लिया, अभी मैं खाऊंगी। बहुत अच्छा बना इसमें ना, मैंने मेथी, हरी मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जितना सामान था सारा डाल दिया। फिर साहब खाते हैं। नहीं नहीं, फीका नहीं खाते। आप खाओ। आजकल तो हमारी रेल बन गई है अरमान के साथ। अरमान थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, जैसे जैसे उतना ही नोटी हो रहा है, एक मिनट में रोने लगता है। और गाइस, हम स्कूल से आ गए और अरमान आज हम क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे? और पाउ 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 गाइस देखो मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ। इसको स्ट्रेच कर और इसको बहुत सारा मजा आता है। अभी बहुत मजा आता है। मैंने आप बनाया बलून के साथ टाइम उसके बीच। छोटा भाई, छोटा 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 भाई, छोटा भाई, छोटा भाई, देखो देखो देखो। आज हम अरमान की हेयर कटिंग करेंगे। बाल काटेंगे। अरमान के गले में ये लगा देते हैं ऐसे। अरमान ये पहनेगा, ये पहना देते हैं तो फिर काट देंगे, क्योंकि आगे से बहुत ज्यादा लंबे हो गए तो इसकी ना आंखों में जा रहे हैं। देखो अभी हम ट्राई करते हैं। अलीजा अवलीन कहती है हम लोगों ने भी देखना है, इनका ना ब्रेक है। अरमान बंद, अरमान बन गया बाबू, आ जाओ भाई। अरमान बाबू बन गया, आले 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 आले, कितना सुंदर लग रहा है। कंघी कर कर दे क्या बेटे, थोड़े थोड़े से अभी लंबे हैं ना ये, बैठता अभी तो नहीं, इतना छोटा है। हम लोग इसको ना हेयर ड्रेसर के पास भी नहीं, इतने छोटे बेबी के वो बाल अभी काटते नहीं है ना। मैंने यहाँ पर कट लगा दिया। अरमान लगता है आपको गंजा करना पड़ेगा बेबी। हे भगवान, अरमान ना डर गया है, अभी रो रहा है, कैसे कर रहा है ना चेहरा। तो अभी मैं इसके कपड़े चेंज करती हूँ। अलीजा अवलीन स्कूल चली गई है, मैं और अरमान घर पर है। मैंने कहा बहुत दिन से ना ये रोता था जब आंखों में बाल जाते थे, थोड़े थोड़े काटे हैं बस आगे से ना, इतने से बाबू बन गया। और ये वाले बाल मैं संभाल के रखूँ, इसके हर बच्चे के रखे हैं, अरमान के भी संभाल कर रखूंगी। आप पापा के पास जाओ बेटा। अरमान की कटिंग कर दी है मम्मा ने, अभी अरमान को नहला रहे। मैंने कहा इसको बाल खाएंगे ना, ऊपर से तो कुछ नहीं काटा फिर भी। हमने ऐसे कर दिया अरमान के बाल, अब अरमान ने नहा लिया, अभी खेलने लगा है।
जाना आपने अरमान? कहाँ जाना? दीदियाँ तो स्कूल चली गई। वो बहुत एक्साइटेड थी कि अरमान के बाल कैसे काटेंगे हैं। अरमान बाबू हंसता है, वहां पर जा रहा है बाहर, कहीं जाना है उसने। कहाँ जाना? आजा। अरमान खड़ जाना, अरमान खड़े होना। हाँ। मम्मा क्या कर रही है? मम्मा काट रही है सूट। अरमान बैठा मेरे पास और अरमान के बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरमान तो बाबू बन गए, बाबू बन गए, सोना बाबू बन गए। अरमान इस बाबू नो ना आगे, बाबू नो ना आगे। आजो फिर, आगे क्यों नहीं आ रहा? आजो 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 आजो। जैसे एक बलून है उसमें बीच में स्लाइम पार्टी हूँ और फिर बहुत मजे आते हैं। किसके लिए बना रहे हो? मेरे आपके लिए और मेरे क्लास भी चाहता है। छोटे छोटे बच्चे को ये देती हूँ, फिर कहते हैं हम ये बना सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, फिर मैं फिर बना दूंगी। अलीजा अवलीन स्कूल से आ गई हैं। अरमान बाबू सोकर उठ गया। अलीजा अवलीन ले रही हैं ऑनलाइन क्लास। आज उनकी डांस क्लास है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो कैसे क्लास लगाती हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। अब हम अवलीन के पास चलते हैं। आप लोगों ने देख लिया अलीजा अवलीन कैसे अपनी ऑनलाइन क्लास लेती हैं फ्रेंड्स। दोनों अलग अलग क्लास लेती हैं, एक कमरे में अलीजा होती है, एक कमरे में अवलीन होती है। आज इनकी डांस क्लास है और हम लोग सोच रहे थे काफी दिन से कि कोरोना है, बच्चों को बाहर कैसे भेजेंगे। माहौल थोड़ा खराब हो गया कोरोना की वजह से। अलीजा अवलीन को बहुत ज्यादा पसंद था कि हम लोग डांस करें, आर्ट करें, और तो हम लोगों को एक ऑनलाइन स्कूल मिला है। अलीजा अवलीन अब बहुत खुश हैं और वो पिछले 2 महीनों से क्लासेस ले रही हैं और उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी सिखाते हैं फ्रेंड्स। पहले मैं भी देखना चाहती थी ना कि इनको कुछ आता है कि नहीं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग अपने बच्चों को लगाना चाहते हैं ना तो ये स्कूल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। बहुत सारी चीजें सिखाते हैं बच्चों को और वो लोग सिखाते हैं गिटार, पियानो, ड्रम, वायलिन, सिंगिंग क्लासेस, वोकल क्लासेस, वेस्टर्न, इंडियन, कर्नाटक वाला डांस भी सिखाते हैं और फ्रेंच भी सिखाते हैं, स्पेनिश भी सिखाते हैं, इंग्लिश भी सिखाते हैं। और एक चीज़ ये है कि बच्चे घर से कर सकते हैं ना, इतना मुश्किल नहीं है। पहले हम लोगों को भी लगता था कि कैसे करेंगे, पर उनको बहुत अच्छा लगता दोनों को और उन्होंने 1 महीने में एक गाना सीख भी लिया दोनों ने। अलीजा अवलीन और रौनक अब ले रही हैं क्लास। ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं 3 बच्चों का, उसमें आप लोगों को 500 रुपये पर बच्चा देना है। और अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अकेला करे उसके लिए वो लेते हैं 1000 रुपये, फिर वो आपको 1-to-1 ही देंगे। और अलीजा अवलीन के साथ रौनक भी बहुत खुश है तो वो तीनों लेती हैं क्लास। और अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स, आर्ट स्टूडियो का व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे वीडियो के टाइटल को टच करोगे तो नीचे आपको उनका लिंक मिल जाएगा और जब आप व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करोगे ना तो उनका व्हाट्सएप नंबर खुल जाएगा, उनका नंबर खुल जाएगा तो फिर आप उनसे बात कर लेना फ्रेंड्स। प्लीज मेरा नाम जरूर लेना उनसे, उनको पता लग जाएगा ना कि मैंने आपको भेजा है, पता चल जाएगा कि हैप्पी सिंह फैमिली ने आपको भेजा है, तो अच्छे से ऑनलाइन क्लास देंगे।
और या आप लोग इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मेरे से बात कर लेना इंस्टाग्राम पर। मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बच्चे सेफ भी हैं और घर से कर भी सकते हैं, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। कुछ सीखेंगी ना, अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो बच्चों को पहले छोड़ कर आएंगे, फिर ले कर आएंगे, कहीं पर बैठना भी पड़ता है एक एक घंटा, तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग सभी बहुत बिजी हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, और ये इतना महंगा नहीं है। और हमारे यहाँ पर तो पियानो का और डांस क्लास का बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं फ्रेंड्स, एक घंटे का $40 या $50 लेते हैं, इसलिए इतने पैसे नहीं है। एक क्लास का 500 रुपये ही लेते हैं एक बच्चे का, तो ज़्यादा नहीं है। तो वो लोग तो नाच रही हैं ऊपर, खुश हैं दोनों, तीनों ही खुश हैं। और हर क्लास का 24-week कोर्स होता है फ्रेंड्स, 24, जैसे आपने पियानो करवाना है तो वो 24-week करवाएंगे। अगर आप आगे करना चाहते हो आपकी इच्छा, फिर वो बाद में आप अपने आप डिस्कस कर सकते हो ना। और मैं जाती हूँ किचन में फ्रेंड्स, जब तक वो आएंगी बना दूँ खाने के लिए। अरमान बस ऐसे ही है, उठ गया, सोता है, रोता है, चलता ही रहता है इसका। आज थोड़ा अलग सा लग रहा है क्योंकि उसने अपने बाल काटे हैं। आजा बाबू, आजा बाबू, चले रसोई में खाना बनाने। आप पापा के पास जाओ, मम्मा खाना बनाने। आपकी खिचड़ी बन रही है। शाम के बज गए शेफ फ्रेंड्स, खाना मैंने बना लिया। मैंने बनाई आज आलू मटर की सब्जी, बन गई है, बस बच्चों को देती हूँ। अरमान इधर हो रहा है, उसको उठाती हूँ और खाना खिलाती हूँ। खाना खाकर बैठ गए हैं, मैं भी अब रेस्ट करूँगी, सारा दिन ऐसे बिजी निकल गया। आज अरमान ने दो बार नहाया, पहले नहलाया, फिर बाल काटे, फिर नहलाया, तो फिर बस ऐसे दिन निकल गया। एक सूट को मैंने काटा, उसको सीना था, टाइम नहीं मिला। अब मैं करूँगी रेस्ट, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पर भी आइए, अरमान, अलीजा, अवलीन की फ़ोटोज़ देखिए और हम रोज नई अपडेट्स डालते हैं, उनको चेक कीजिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय 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 बाय।